बिहार में बाढ़ से 12 जिले प्रभावित हुए हैं। राहत बचाव अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। एयरफोर्स ने भी बाढ़ को लेकर अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री के हवाई सर्वेक्षण के बाद दरभंगा में वायुसेना के जवान ने बाढ़ पीड़ितों के मदद की कमान संभाली है। दो हेलीकॉप्टर की मदद से फूड पैकेट बाढ़ पीड़ितों के बीच गिराया गया। इधर दरभंगा मुख्यालय में दिन रात फूड पैकेट तैयार करने का काम जारी है। तैयार होने के बाद अलग अलग वाहनों से सभी फूड पैकेट को दरभंगा वायुसेना केंद्र भेज दिया जाता है, जहां सेना के जवान इस फूड पैकेट को लेकर बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर एयर ड्रॉप करते हैं। संवेदनशीलता के साथ, आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से ये रहा है कि बाढ़ पीड़ितों का राज्य के संसाधन पर पहला हक है। तो इस एक सेंटेंस में हम उस संवेदनशीलता को समझ सकते हैं जो राज्य की सरकार राज्य की जनता के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए महसूस करती है, और जिला प्रशासन उनके निर्देश में इस बात के लिए तत्पर है कि प्रत्येक बाढ़ पीड़ित से जल्द हम लोग SOP के हिसाब से हर संभव मदद पहुंचा सकते। इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी गिरीश जुड़ गए हैं। गिरीश, पूरे बिहार में बाढ़ के बाद स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, 12 जिले अभी तक प्रभावित हो चुके हैं, क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं अभी? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बाढ़ क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया था, उसके बाद सभी अधिकारियों का निर्देश दिया गया, जिसके बाद दरभंगा जिला प्रशासन का है तो पहले से भी काफी सजग थी, और प्रशासन के द्वारा जो है कल वायुसेना के द्वारा जो है फूड पैकिंग करके बाढ़ पीड़ित इलाकों में गिराया गया है। कल लगभग कहा तो 2000 फूड पैकिंग गिराया गया है, और आज भी जो है फूड पैकिंग गिराने का गिराया जा रहा है, और आज भी कम से कम 2000 फूड पैकिंग जो बाढ़ पीड़ित है उन लोगों तक सहायता पहुंचाई जाएगी। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से 12 जिलों में लोगों के घर भी प्रभावित हुए हैं, तो इसको लेकर उनकी शिफ्टिंग को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी देखिए, दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने साफ तौर पर कहा जो अभी उस तरह के स्थिति में जो लोग घर छोड़ के तटबंध पर शरण लिए हुए हैं उनके लिए पोलोथिन की व्यवस्था की गई है, जरूरत की जो सामान रहा राशन पास उनको वहां तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जो भी लोग बाढ़ में अभी भी घिरे हुए हैं या अपने घर छोड़ के निकलने ना नहीं चाह रहे हैं उन लोगों तक जो है वायुसेना के द्वारा मदद पहुंचाया जा रहा, और वायुसेना के का जो दो हेलीकॉप्टर है वो दरभंगा क्षेत्र में काम कर रहा है, और बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाके फूड पैकिंग ऊपर से गिराया जा रहा है। जी बिल्कुल गिरीश, नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।